तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नई फ़ोटो ओपन करेंगे। तो ओपन में क्लिक किया, यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो ले ली मैंने, और इमेज कोई ख़राब ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ से इमेज में जाकर डुप्लीकेट कर दिया। क्या किया? डुप्लीकेट में क्लिक किया और यहाँ से मैंने कर दिया ओके। और ये जो है हमारी ओरिजिनल पिक जो है उसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब मैं इसमें रिकॉर्डिंग करके कोई ऐसा वर्क रिकॉर्ड करके रखना चाहता हूँ कि जो जब भी मैं दोबारा लूँ और सीधा जो भी रिकॉर्ड किया हो उस बटन पर क्लिक करूँ तो सीधा वो आ जाए। तो यहाँ से विंडो में क्लिक किया और यहाँ पे लिखा होता है एक्शन, एक्शन में क्लिक किया, फिर उसके बाद यहाँ से लिखा होता है क्रिएट ए न्यू एक्शन। क्रिएट ए न्यू एक्शन में क्लिक किया और यहाँ से उसका नाम दे सकते हैं, कोई भी तो अपना नाम लिख सकते हो आप, लिखिए। फिर उसके बाद करते हैं यहाँ से ओके, नहीं सॉरी रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे ही रिकॉर्ड बटन में क्लिक करेंगे उसके बाद हम इसमें कोई भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग के लिए फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एडजस्टमेंट में जाकर अब यहाँ से मैंने कर्व में क्लिक किया और यहाँ से मैंने फ़ोटो को थोड़ा ऐसे कर दिया और ओके कर लिया, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ से इसको मैंने स्टॉप कर दिया। क्या किया? स्टॉप बटन में क्लिक किया। फिर उसके बाद क्या करना है, स्टॉप करने के बाद यहाँ से कोई भी मैं नई पिक लूँगा, फाइल में जाकर ओपन में क्लिक किया और यहाँ से मैंने ये आलिया जी की फ़ोटो ले ली। अब इसमें नेहा में क्लिक करके जैसे मैं इस बटन में क्लिक करूँगा, प्ले सिलेक्शन में क्लिक करूँगा तो वो फ़ोटो वैसी हो जाएगी जी। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा पूरा काम समझ आ चुका होगा जी। और अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को देखो और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। धन्यवाद।